सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले डांसिंग रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर्स में ऑडिशन के कठोर दौर के बाद अब शो के बेस्ट 12 यानी शीर्ष 12 प्रतियोगी चुन लिए गए हैं। शो के जज मलाइका अरोड़ा, गीता कपूर और टेरेंस लुइस ने कई हफ्तों तक दर्जनों प्रतियोगियों के बीच इन 12 फाइनलिस्ट का चयन किया है। देश भर से आए प्रतियोगियों में से जो कलाकार इंडिया बेस्ट डांसर के महामुकाबले में पहुंचे हैं उनमें से मुंबई के सोनल विचारे, कोलकाता से महमूद अभी, पुणे से ऋतुजा, ग्वालियर से राज शर्मा, दिल्ली से अजय सिंह उर्फ टाइगर पॉप, हरियाणा से हिमांशी कोरिया, गुवाहाटी से अदनान अहमद खान, रायपुर से मुकुल बेन, सिलीगुड़ी से सुब्रनील पॉल, उत्तर प्रदेश से परमदीप सिंह, त्रिपुरा से साध्वी मजूमदार और केरल से श्वेता बढ़िया शामिल हैं। अब शो में प्रत्येक प्रतियोगी की जोड़ी एक कोरियोग्राफर के साथ बनेगी जो उनके मार्गदर्शन करेंगे। शो के जज गीता कपूर कहती हैं, एक जज के रूप में इस तरह की प्रतियोगियों को चुनना और इंडिया बेस्ट डांसर्स में उनके सफर को शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। मैं बेस्ट 12 के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि वे हमें आगे और हैरान करेंगे। यह देश भर के प्रतियोगियों का एक अच्छा मिश्रण है। वहीं इस मौके पर शो की दूसरी जज मलाइका अरोड़ा कहती है, मैं इससे पहले टेलीविजन पर ऐसे कड़ा मुकाबला कभी नहीं देखा और सराहनीय बात यह है कि प्रतियोगियों ने इस तथ्य को साबित किया है कि जब तक बेस्ट नहीं तब तक बेस्ट नहीं। धन्यवाद।